हे भगवान, क्या इसी तरह मेरे हालात रहेंगे? क्या कभी बदलेंगे नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। अब कोई ऊपर वाला ही चमत्कार कर सकता है। राम राम भाई। अरे राम राम भाई, राम राम। और ठीक है? हाँ बढ़िया है। बैठो भाई बैठो। क्या बात है भाई, बहुत परेशान हम का तुम दिख रहे हो। यार परेशान क्या, जो बिजनेस में कर रहा था, बिजनेस में मेरा लॉस ही लॉस हुआ। बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है, कर्जा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बहुत ज़िंदगी दुखदाई हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे आगे जीवन व्यतीत किया जाए। बात भाई मानो तो मेरे पास एक रास्ता है। क्या? मैं एक खजाने का राज जानता हूँ। इसकी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। अच्छा, लेकिन एक बाबा जी हैं, उनके पास पूरी जानकारी है, उनको मैं जानता हूँ। तो चलो उनके पास चलते हैं। चलो। यही है क्या वो स्थान? हाँ यही है बाबा जी का। चलो आ गए स्थान पे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा जी तो कहीं दिख नहीं रहे। बाबा जी के स्थान पे वो रहे बाबा जी, लग रहा है पूजा कर रहे हैं। चलो बाबा जी, हम थोड़ा समस्या लेकर आपके पास आए, बहुत दूर से आए। हम समझ रहे हैं आप इस समस्या को लेकर हमारे पास आए। बाबा हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए। हम जिस मकसद से आए हैं वो सिर्फ आप ही हल कर सकते हैं और कोई उसको नहीं जानता। तुम जिस चीज के लिए आए हो मित्रवत, शायद उस चीज के लिए तुम्हें बहुत सारे दुख उठाने पड़ेंगे। ऐसा मत बाबा जी कहिए, बहुत आशा लेकर आपके पास हम आए। तुम मौत की सीढ़ी चढ़ने के लिए जा रहे हो, बात मानो तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम जिस रास्ते के लिए हमारे पास में आए हो सकता है उस रास्ते पर आपको मौत भी मिले। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जितने लोग आए हमारे पास में हमने रास्ता बताया और वो सिर्फ मौत का शिकार हुए। अगर आप हमें विवश ही कर रहे हो तो चलो हम उस सीढ़ी का हम राज आपको बता देते हैं। चलिए बैठकर बताते हैं आपको। जी बाबा जी, लेकिन उतना कर पाओगे आप? कर लेंगे बाबा जी, चाहे जो भी चाहे, मौत का सामना क्यों ना करना पड़े। तो आप विवश ही कर रहे हो तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बताएंगे हम आपको। सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। बताओ बाबा जी, जो काम होगा सारे काम करूंगा। अमावस्या वाले दिन रात को 12 बजे आपको शमशान घाट में जाते हुए कोई भी देखना नहीं चाहिए। उसके बाद तेलिया मसान के स्थान की मिट्टी आप लेकर यहाँ चले आओ। अगर आपको पीछे से कोई आवाज देता है तो उसकी बात बिना सुने निश्चिंत तौर पे आप चलते ही जाइए। जाओ मिट्टी लेके आओ, उसके बाद में हम आपको पूरा रास्ता बताएं। अमावस्या की रात, अमावस्या तो आज ही है बाबा।
यानी आज ही हमको निकलना पड़ेगा। चलो चलो चलते हैं। जाओ बच्चा, मिट्टी लेकर आओ। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। सुखी रसान अब भी बहुत दूर है क्या? बस कुछ नहीं, बस थोड़ी ही दूर बचा है शमशान। ठीक है, वहां चल के आवाज मत करना। लगता है कोई आया पीछे क्या? शमशान तो आ गया, यहाँ तेलिया मसान का स्थान कहाँ है? मुझे पता है तेलिया मसान का स्थान कहाँ है, बाबा ने मुझे बताया था। लगता है मेरे पीछे से होकर भी कोई गया है। दिखाई तो नहीं दे रहा है। चलो जगह पे चलते हैं। भाई हमें लग रहा है कोई जानवर की आवाज आ रही है। नहीं, ये किसी जानवर की नहीं थी, ये किसी आत्मा की लग रही है, शैतानी आत्मा। मैंने किताबों में पढ़ा है, बहुत बार पुरानी किताबों में मैं पढ़ चुका हूँ, ऐसी आत्माएं रात में ही निकलती हैं। चलो बाबा ने बताया था कि छोटी पेड़ के पास में। मिट्टी लेकर तो आ गए। चलो बाबा, शाम हो गई आते आते। आगे बच्चा। अंदर आ जाओ बेटा। मिट्टी ले आए? जी बाबा। चलो इस स्थान पे रख दो। मिट्टी तो ले आया हो बच्चा। जी बाबा। लेकिन उस खजाने तक पहुंचने का राज अभी आपको नक्शा मालूम करना। वो नक्शा बाबा कैसे पता चलेगा हमें? ये लो मिट्टी। जी बाबा। और यहाँ से 18 मील दूर एक बसहा माथी गांव है, वहां पर एक भजन लाल रहता है। जी। उस आदमी के पास आप जाओ, जब तक आप नक्शा हासिल नहीं कर पाओगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो बाबा जी, जो उस खजाने का नक्शा है, वो उस भजन लाल व्यक्ति का जो नाम का व्यक्ति जो है, उसी के पास मिलेगा? हाँ, भजन लाल के नाम के व्यक्ति के पास ही मिलेगा। और उस नक्शे को हासिल करने के तत्पश्चात आपको ये मिट्टी, जहाँ वो घाटी है, वहीं मंदिर के स्थान पे आपको चढ़ानी है। खतरनाक लग रहा है बाबा जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम लोग निकलते हैं। हमारी तरफ से आपको आज्ञा है। जी बाबा। आप जा सकते हैं। लेकिन एक शब्द सुनते जाइए। क्या बाबा? वहां से आज तक कोई वापस लौट के नहीं आया। अपनी जान हथेली पर लेकर जा रहे हैं, सफलता मिल जाए तो उसका धन्यवाद कर। पूछना पड़ेगा यहाँ किसी से। पूछो किसी से। अरे छोटे। हाँ भाई। ये भजन लाल का घर कौन सा है? बस थोड़ी दूर आगे है, वही गुलाबी वाला है। अच्छा, गुलाबी वाला, यही वाला है लगता है। अरे है कोई घर में? यार बहुत टाइम आएगा, कोई निकला नहीं। चलो अंदर चल के देखते।
है कोई घर में? घर में है कोई? कौन है भैया? राम राम ना चलो भैया, राम राम। हम आपको पहचाना नहीं। आइए बैठकर बात होते, जान पहचान भी हो जाएगी। आइए बैठिए, बैठकर बात करते हैं। तो चचा, हम आपके पास किसी कारणवश आए हैं, तो इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्ट सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो मेरे लायक है वो बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। अभी हमको गुरुजी ने भेजा है आपके पास। सीधे सीधे हम बता रहे हैं, गुरुजी ने आपके पास भेजा है। आपके पास जो खजाने का राज है, यानी जो नक्शा है, वो हमें दे दीजिए। हम आपको नक्शा दे देंगे, हमारी एक शर्त है, उस बात पे हम आपको नक्शा दे देंगे। क्या शर्त है आपकी? हम नक्शा निकाल कर लाते हैं, अभी तुमको दिखाते हैं। हम आपको जो जगह बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही जगह खतरनाक है। ये तो ठीक है भजनलाल जी, लेकिन इस खजाने तक पहुंचा कैसे जाए, इसका हमें रास्ता बताइए। किस मतलब कैसे पहुंचेंगे वहां तक? मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, मेरी बात अच्छी गौर से देखना। जो आपको ये संगम नदी दिखाई पड़ रही है, ये संगम नदी के पास से एक रास्ता, पथरीला रास्ता गया है। उस रास्ते से आप गुजरेंगे तो यहाँ आपको जंगल पड़ेगा। यहाँ तक आपको पहुँचते पहुँचते शाम हो सकती है। यहाँ से जो पहाड़ी का रास्ता, यहाँ से जब आप गुजरेंगे तो घाटी में दिखाई देता है। इस पेड़ के नीचे ज्यादा देर रुकिए मत। क्यों, ऐसा क्या है उस पेड़ के नीचे? जो भी इसके नीचे खजाने तक आया, वो आज तक लौट कर कोई भी नहीं आया है। लेकिन हमारी एक आपकी शर्त है। क्या शर्त है आपकी? शर्त हमारी ये, खजाने में हमको आधा हिस्सा चाहिए। बेटा यहाँ आओ। भजनलाल, वो नक्शा मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे लड़के की जान चली जाएगी। कुछ भी हो जाए, नक्शा नहीं देंगे हम। आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम्हारे लड़के की जान चली जाएगी, बाद में मेरा दोस्त मत। तुम एक गलत कर रहे हो, मेरे लड़के को छोड़ दो। कुछ भी हो जाए, नक्शा हम नहीं देंगे। मैंने तुमसे कहा था ना, नहीं सुने ना? मेरे बेटे को इन लोगों ने मार दिया। चल नक्शा इधर दे, चल नहीं देंगे। चल बुद्धे, तू भी निकाल। नहीं देंगे। लगता है गुरु जी के बताई जगह पे हम लोग पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। ये जगह भी कुछ वैसे ही लग रही है। चलो चलते हैं। चलो
ये जगह तो बहुत डरावनी लग रही है। हाँ भाई चले। ये पेड़ तो बहुत ही विशाल काय मालूम पड़ रहा है, बहुत पुराना पेड़ लग रहा है। गुरु जी ने तो बताया था कि पहखाना होगा, यहाँ तो कोठी का कोई गेट वेट तो दिख नहीं रहा है। क्या किया जाए? ऐसा करो तुम उधर देखो, मैं जंगल की तरफ देखता हूँ, ठीक है? जैसे ही मिलेगा हम दोनों में से किसी को, लेकिन सावधानी से, खतरा बहुत ज़्यादा है, खतरा बहुत हो सकता है, सावधानी से जाना, ठीक है? कुछ था क्या? बहुत पाठा था इधर, वहां पे चाहे कुछ भी हो जाए, खजाने का राज खजाने को लेकर ही जाएंगे। जिस मकसद से आए हैं वो मकसद पूरा करके ही जाएंगे यहाँ से। हम तो साथ में हुएंगे हम भाई। इधर ये तो मुझे भी बहुत डरावना भाई, तेरे हाथ क्यों कांप रहे? ये तेलिया मसान की मिट्टी है, इसको हम अपनी जगह रखते ही कामयाब हो जाएंगे। जैसे ही मिट्टी हो जाए, खजाने वाली जगह पर पड़ेगी ना, हम कामयाबी हमको हासिल हो जाएंगे। चलो देखते हैं। चलो भाई। कब से भटक रहे हैं यार, दरवाजा क्यों नहीं मिला? वो खजाने वाला दरवाजा मिल क्यों नहीं रहा? चलो आगे देखते हैं। चलो और कहीं ढूंढते हैं। ये खंडहर है, लगता है मंजिल पर पहुंच रहे हैं हम लोग। सावधानी से चलना। वो दरवाजा हमें इसी कहीं तहखाने में मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा वो दरवाजा किधर है। इधर एक रास्ता है, देखते हैं क्या है आगे। ये नक्शा हम कहाँ ले जाएगा? ये नक्शा हमें
नोट लेने के लिए। बहुत ही प्राचीन दीवारें हैं ये। दरवाजा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। ये खंडर छानते छानते हमको बहुत रात हो चुकी है। टाइम कितना हुआ? 12 बज गया है, यानी 12 बजे यानी खतरे की घंटी। भाई ये देखो क्या है। छोड़ो उसे, हमें क्या लेने का, हम खजाने का दरवाजा ढूंढते हैं। आओ आगे देखते हैं। लगता है हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो तांत्रिक ने बताया था, कहीं ये वही दरवाजा तो नहीं है? हाँ, ये वही दरवाजा है। पहुंच गए हम खजाने के पास, पहुंच गए खजाने के पास। हम मिल गया हमें खजाना। अब हम अंदर चलते हैं और इस मिट्टी को डालते हैं, देखते हैं कहाँ है। कौन है तुम लोग? मैं पूछ रहा हूँ कौन है तुम लोग? आपको क्या तुम लोग कुछ देने के लिए आए हैं? भाई कौन? हमारे बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को कि मैं इस घाटी का रक्षक हूँ। भाई दिख भी नहीं रहा है। लौट जाओ अगर अपनी मौत को दावत नहीं देना चाहते हो। हम खजाना लेकर ही जाएंगे यहाँ से। खजाना तो तुमको बाद में मिलेगा, उसके पहले मौत हो जाएगी तुम। नक्शा निकालो, नक्शे में देखते हैं। सही जगह हम आए। अब हम किसी आत्मात्म से मिलते मैंने कहा ना, हमारी बात आपको समझ नहीं आ रही। फिर गलती करने जा रहे हो आप लोग। खजाना क्या, अपनी मौत को दावत देने जा रहे हो। दावत देने जा रहे।